ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 8 सौर समीकाएं। क्या है? सौर समीकाएं। देखो इसमें तीन सौर, देखो कक्षा 7 मैंने कुछ सौर समीकाएं पढ़ी थी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब का, किसका पढ़ेंगे? क्यूब का। परंतु हम आपको पूरा याद करवा देंगे, स्क्वायर वाला भी क्यूब वाला भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूब को समझ लेते हैं। देखिए इसमें जो हमको पढ़ना है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ना है? होल क्यूब। तो कैसे? देखो बहुत ही आसान है, कहेंगे a का एक क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a है जैसे लग रहा है उसका बच्चा, ठीक है a है, और जैसे रहेगा वैसे उतार देंगे a प्लस बी। समझ आ रहा है? पहला फार्मूला। दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब। अब जहां जहां याद किया ना, सब जगह माइनस हो जाएगा, पूरा चिन्ह जहां जहां प्लस का हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा। माइनस का b क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b। एक फार्मूला और आएगा, a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए ये तीन फार्मूले हैं जो आपके क्लास 8 के सौर समीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कक्षा 7 में आप और भी पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम कक्षा 8 का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जरूरी है आपको a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए अगर दो ब्रैकेट के पावर क्यूब रहे उसको बोलते हैं होल क्यूब, चाहे होल स्क्वायर, मतलब दोनों का होल जब कहता तो दोनों का कहता है, दोनों का। तो एक बार हमारे साथ पढ़िए, a प्लस बी का होल क्यूब का होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी सी का, जी इसमें a प्लस बी, हाँ। और फिर a माइनस बी का क्या है? होल क्यूब का होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इन दोनों फार्मूले में देखिए आप सिर्फ एक याद रखिए, जहां जहां प्लस है माइनस वहां वहां कहा जाएगा माइनस। आसान है कि नहीं आसान है? एक याद रखिए, एक गिफ्ट मिल जाइए फ्री में, बस का चिन्हों का करिए परिवर्तन। क्या करना है? चिन्हों का परिवर्तन। जहां प्लस रहे क्या कर देंगे? माइनस। उसके बाद क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का भी बी का भी सी का भी तीनों का होल स्क्वायर है। ए बना बनाओ का उसको डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कैसे याद करें? देखो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, समझ गए? ये तो फार्मूला आप ऐसे याद करेंगे। अब इस पे सवाल जो आएंगे, देखिए चलते हैं अपने 1-4 है ना। देखिए अलग अलग बुकों का अलग अलग चैप्टर होगा, तो इस बुक से कक्षा 8 का 4 चैप्टर सौर समीकरण है। यदि आपके बुक में कोई और चैप्टर है तो उससे मतलब नहीं है, आपको ध्यान देना होगा इस मेथड को, फार्मूले को ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। आइए शुरू करते हैं अपना अभ्यास, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर है। करा बी प्लस वन का होल क्यूब है, क्या है? होल क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए यह किस फार्मूले पे मिल रहा है? पहला दूसरा तीसरा, ये किस फार्मूले पे मिल रहा है? पहले के जगह ना, तो देखो तो जब हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। तो सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला, यदि फार्मूला आप लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए लिखेंगे फार्मूला, देखिए हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे यहाँ b लिखा है,
ये नहीं कि ये बी है, यह किसके जगह है? ए के जगह। किसके जगह है? और एक किसके जगह है? बी के जगह। देखो ए आपको देख रहा है बी, आप सोचेंगे बी का है ए के जगह हो गया, उससे मतलब नहीं है। ए के जगह कोई हो तो ए कहलाएगा, आज जो बाद में रहेगा वो बी कहलाए, कुछ भी हो। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ आंता छड़ी नहीं सवाल, ठीक है। ए यहाँ क्या है? बी है। देखिए हम आपको यहाँ दिखाने के लिए ए बी लिखे, आप नहीं लिखेंगे ना, ठीक है। तो ए का हो गया बी, हो जाएगा बी का क्यूब प्लस बी, तो बी का है वन, वन का हो जाएगा क्यूब प्लस थ्री, थ्री तो फार्मूले में ही है। फिर देखो जब दो अक्षर हो और अक्षर के बीच कोई चिन्ह हो तो कौन सा चिन्ह होता है अर्जुन? गुड़े का। बहुत सही, किसका होता है? गुड़े का। तो ए गुड़े बी है, तो देखिए लिखेंगे गुड़े का लगा देंगे, क्या लगा देंगे? गुड़े। ए क्या है? बी, फिर गुड़े बी है ना, अब बी क्या है? वन। अब ब्रैकेट में ए प्लस बी अर्थात जो दिया रहेगा तो हो जाएगा बी प्लस वन। थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो किसी भी अक्षर का पावर जितना रहता तो उतना ही रहेगा, क्योंकि बी का क्यूब भी कुछ और नहीं हो सकता है, अंक रहता तो कुछ होता। और एक का क्या है? क्यूब है। तो एक का क्यूब है तो अगर एक संख्या के घात कुछ भी हो, एक लाख, पचास लाख, दस लाख, उसका मान कितना होता है? एक ही होता है। तो एक का घात कितना है? तीन। अब पूछेंगे सर कैसे, यहाँ देखिए ऐसे एक के पावर क्या है? तीन है। तो इसको हम लिखेंगे विस्तार कैसे, एक गुड़े गुड़े कितनी बार लिख सकते हैं? तीन बार ना। एक कन्ने एक कन्ने एक ही आया ना, सेटिस्फाइड। देखिए वन, अब देखिए थ्री के गुड़ा बी में और एक में, तो देखिए तीन कन्ने तीन है होगा, और थ्री में बी करना क्या होगा? थ्री बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? थ्री बी। अब बी प्लस वन, अभी भी तोड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का थ्री बी, इसका गुड़ा कराएंगे अंदर तो जाएगा बी का क्यूब प्लस वन। देखो थ्री बी में कराएगा जाएगा थ्री बी गुड़े बी, देखो अंक तो अंक रहता तो अंक से होता, अक्षर का गुड़ा किससे होगा? अक्षर से। अगर एक ही जैसा होगा तो बी गुड़े कहा जाएगा? बी का स्क्वायर कहा जाएगा? स्क्वायर। देखो हम बी गुड़े बी कराएंगे कहा जाएगा? बी का स्क्वायर होगा। ए गुड़े ए कराएंगे तो, और ए गुड़े बी कराएंगे तब ए बी, समझ गए? तो कहा जाएगा? थ्री बी स्क्वायर। और एक में गुड़ा कराएंगे तो ही प्राप्त हो जाए जिस जो संख्या रहेगी, यहाँ जाएगा थ्री बी। देखो यहाँ देखो थ्री बी स्क्वायर, यहाँ क्या है? बी स्क्वायर। तो एक क्रम में करेंगे, जिसका पावर अधिक रहता है उसको पहले करते हैं, तो हो जाएगा बी का क्यूब प्लस का हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर, इसके साथ एक पावर है तो थ्री बी, और जो अंक रहेगा सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में। कैसे? जिसका पावर अधिक रहेगा उसको पहले करेंगे, उसके बाद जिसका कम पावर रहेगा उसके बाद कम, और जिसके पास कुछ नहीं रहेगा उसको सबसे लास्ट में, समझ आया ना शानदार तरीके से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को दो बार तीन बार देख सकते हैं, समझ में आएगा। देखिए दूसरा हम लगा रहे हैं, कह रहा है सी, सात वाले लगाइए तब तक आप बैठ के, ठीक है। सी प्लस थ्री का क्या है? क्यूब है। किसका? होल क्यूब। क्या है? होल क्यूब, मैंने सी प्लस थ्री का होल क्यूब। अब देखिए मान बदले, जहान बदले, कुछ ही बदले, पहला ए रहेगा दूसरा बी, चाहे पहला सी रहे चाहे डी रहे चाहे ई रहे चाहे फी रहे चाहे कुछ भी रहे, पहला ए है तो ए है और दूसरा बी है तो बी है। चलिए लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल, और उसके बाद बैल चल। हाँ हल आप बैल चल नहीं आप चलेंगे। अब फिर लिखेंगे सी प्लस थ्री, याद करिए कि किसके जैसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब जैसा, किसके जैसा? फार्मूला अब और याद करवाते हैं, यही याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब कहता क्या कहता है? थ्री, पहले ही हाँ ए क्यूब प्लस बी, साथ में बोलते रहो तो याद रहे, याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो, प्लस सी क्यूब, हम जानते थे सी क्यूब नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, आपको भरमाने के लिए बोले, ठीक है।
उसके बाद कहा जाएगा थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, समझ आ रहा है ना। ए हो जाएगा ए और ए हो जाएगा बी, चलिए लगाते ए क्यूब, यहाँ क्या है सी, हो जाएगा सी का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्या है थ्री, तो जाएगा थ्री का क्यूब प्लस थ्री, देखो गुड़े अभी बता है ए, तुमको वहां बैठने में दिक्कत हो रहा है, टूट जाए कुर्सी तब खाना निकाल खा लो, खाना लाओ ना, जाओ खाना खा लो ठीक है, और फिर लंच में भी खा लेना, और फिर गिरा दे टूट जाए कुर्सी। हाँ छोट की साइकिल लेटर नहीं टूटेगा, रंजन मत छूना। ए ए हो जाएगा सी, अब बी का हो जाएगा थ्री, फिर ए प्लस बी तो हो जाएगा सी प्लस थ्री। से रेंजर के जैसे बहुत चीज प्लास्टिक होता है ना, जैसे नहीं कुछ मोटरसाइकिल आता है पूरा बम्पर वम्पर प्लास्टिक, उसको ले गिर बहुत टूट नुकसान होगा, आखिर होंडा ले के हीरो पटको झटको तटको पटको कुछ नहीं होगा, समझ गए। देखो सी का क्यूब है, देखिए अक्षर का कुछ क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सी का क्यूब। अब देखो तीन का पावर तीन है, चले किससे पूछे, तीन का पावर तीन कितना होगा, ना होगा, तीन के पावर तीन सत्ताईस, बहुत सही ठीक है, बहुत अच्छा आपका गलत हुआ, ये सुनहरा गलत था। देखो कैसे तीन के पावर तीन होगा, तीन के पावर तीन इसको कितने वाले कहें, तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े लिखेंगे, तीन त्रिकी नौ त्रिकी और दिमाग खुल गया, बत्ती जल गया ठीक है। अब यहाँ देखो अंक का गुणा अंक से, तो तीन त्रिकी नौ, नौ का हो जाएगा सी, आप बचा सी प्लस थ्री ठीक है, सी का क्यूब सत्ताईस, अभी यहाँ गुणा कराएंगे तो नौ का नौ अंक है, अंक कोई है नहीं, वैसे तो एक होता तो नौ रहेगा, और सी का गुणा सी में कहा जाएगा सी का स्क्वायर अनत्री की सत्ताईस सी। अभी हम बताएं कि पावर के अनुसार जिसके अंदर पावर होता पहले आता, क्या होता है पहले, क्या होता है पहले आता है, तो सी का क्यूब है ना पावर तीन है, पहले आएगा उसके बाद क्या आएगा नौ वाला, देखिए स्क्वायर है ना पहला नौ सी स्क्वायर, उसके बाद एक पावर सत्ताईस सी, उसके बाद कुछ भी पावर नहीं, क्या हो जाएंगे साइड में, पर जिनके पास पावर है सबसे पीछे खड़े नहीं होते हैं, जहाँ नेता होता है कहा थे जो एकदम पावरफुल रहेगा सबसे पहले कुर्सी रहेगा, ऐसे तो मोटा सा रहेगा कुर्सी रहेगा मेज बिछा रहेगा, आज इसके अंदर कुछ नहीं पावर बेचारे पीछे ताली होते हैं ठीक है। अर्थात यहाँ भी जिस देखिए इसका पावर क्यूब है, इसका पावर टू है, इसका पावर वन है, कुछ नहीं रहता तो वन होता है, यदि अक्षर है कुछ नहीं तो क्या है वन है, इसके साथ कुछ नहीं है बेचारे साथ इसलिए लास्ट में ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए कि अगला बताएं, नोट कर लीजिए आप लोग भी नोट करते चलिए, इसी पर प्रैक्टिस करा देंगे फार्मूला ही याद हो जाएगा बिना याद किए। देखिए टू एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब, ध्यान दीजिए पुनः आ गया टू एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब किसके जैसा दिख रहा है, ए मत देखो यहाँ टू एक्स दिख रहा है, अरे प्लस के इधर एक ही पद कहलाता है, क्या कहलाता है, जब तक उनके बीच में कोई गुड़े का छोड़कर और चिन्ह ना हो तब तक क्या होता है अलग पद नहीं होता है, तो यह पहला पद हो गया है, पहला पद क्या होता है मारवे करेंगे, पहला पद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ए, बहुत सही, दूसरा पद को बी, याद हो गया ना। अब लिखेंगे हल, कहेंगे चल बैल ठीक है, 2x प्लस थ्री देखिए लिख देंगे 2x प्लस थ्री का होल क्यूब, फार्मूला लिखे क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला बार बार लिखने से हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाती है, कहती है और हमको याद नहीं करना पड़ता, याद हो जाती है, a प्लस बी का होल क्यूब तो क्या होता है ए क्यूब बोलो प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में प्लस बी, समझ गए। चलिए फार्मूला हमारा लिख दिए, पहला का होगा ए कहा कहलाएगा, आपके लिए लिख रहा है लेकिन आप नहीं लिखेंगे ठीक है,
और दूसरा क्या कहलाएगा बी। तो ए क्यूब अर्थात 2x का क्यूब क्या लिखेंगे, अब ये नहीं सिर्फ दो का दोनों का है क्योंकि दोनों ये है ना, प्लस बी क्यूब, बी का हो जाएगा 3 का क्यूब, 3ab, a क्या हो जाएगा 2x का जाएगा 2x, b का हो जाएगा 3, अब ब्रैकेट में प्लस बी जो रहेगा 2x प्लस 3। बहुत सही, देखिए यह क्यूब 2 का भी है, किसका है 2 और x का भी है, किसका है 2 का भी है x का भी है। तो देखिए अर्थात 2 × 2 × कितनी बार, 3 बार, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, x का हो जाएगा क्यूब, x का नहीं ना क्यूब, अक्षर का क्यूब क्यूब ही रहता है, प्लस अभी बताया है 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा 27। बहुत सही 27 है, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, क्योंकि 3 है देखो, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, और x है तो x हो जाएगा 2x + 3, देखो 8x³ = 27, 18 गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो रहता है उसका गुणा अंदर होता है, तो 18 × 2 = 36, 36 और x का क्या हो जाएगा x² क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंक का गुणा अंक में x माने अक्षर का गुणा अक्षर से, तो 18 × 2 = 36, x का गुणा x में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 18 × 3 = 54, x नहीं तो x हो जाएगा। अब जिनका पावर अधिक उनको पहले करेंगे, 8x³ उसके पावर किसका है 2 का, आ जाएगा प्लस 36x² उसके बाद 54x, और जिसके साथ कोई नहीं वो लास्ट में, तो समझ में आ गया होगा ठीक है। इन तीन क्वेश्चनों के आधारित पर आप और भी क्वेश्चन लगाएंगे, आपके बुक में और भी क्वेश्चन है ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तब उसके बाद हम कल बताएंगे a - b का होल क्यूब वाला, समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाती है ठीक है। अच्छा मान लीजिए खाना खाते एक बार थैया पूरा घोट लेते हैं का, हाँ कवर कवर खाते ना, एक कवर दो कवर, लेकिन पेट का होता है इसमें भर जाता है, कभी कभी फट जाता है इससे लगता है, तो इसलिए क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सोचेंगे कि एक दिन हम पूरा पढ़ लें तो नहीं पढ़ पाएंगे,